प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके परिवार में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और बहुत से काम उनके रुके हुए थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में मिलकर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस फाइनेंशियली प्रॉब्लम से दूर कर दिया है। परमेश्वर ने उनके सारे रुके हुए कामों को बना दिया है और अब उनके जीवन में किसी भी प्रकार के आर्थिक तंगी नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है और हमें हमारी घटी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे, आपके लिए भी करेंगे। आप भी हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन इस वीडियो में कमेंट्स करके और हमें व्हाट्सएप मैसेज करके और हमारे प्रेयर सेंटर में फोन करके आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर तेरे साथ में है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आया, जो कि एक कुंवारी लड़की थी, उसके पास आया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने सबसे पहले उससे इस बात को कहा कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए मरियम को चुना, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि प्रभु तेरे साथ में है। हमें जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए चुनता है, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो परमेश्वर स्वयं हमारे साथ में भी होता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन से किसी योजना को पूरा करता है तो स्वयं परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, हमारे साथ में रहता है। जिस प्रकार से हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से, यहोशू से कहा कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो लोग भी परमेश्वर की योजना के तहत थे और वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे थे कि सारे इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके कनान देश को लेके आ रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे। जब परमेश्वर ने उन दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी को दिया, अपनी योजना को पूरा करना चाहा, तो परमेश्वर ने उनसे वादा भी किया कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं, जब परमेश्वर ने मरियम को चुना, जब परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ एक बड़े काम के लिए, तो परमेश्वर ने उससे वादा भी किया कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, यानी कि प्रभु तेरे साथ में है। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको भी एक बड़े काम के लिए चुना है, परमेश्वर ने भी आप पर अनुग्रह की दृष्टि की है, परमेश्वर आपके जीवन से भी एक योजना को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से मरियम से कहता है कि प्रभु तेरे साथ में है, उसी प्रकार से प्रभु हमारे साथ में भी है, प्रभु आपके साथ में भी है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रभु आपके साथ में है। जिस प्रकार से इस बड़ी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना और उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु उसके साथ में है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, आपको भी चुना है, ताकि आपके जीवन से वो अपनी योजना को पूरा करे, तो उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में भी है। परमेश्वर जगत के अंत तक आपके साथ में है। चाहे आप जीवन की कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जूझ रहे हो, चाहे आप किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, क्योंकि उसका अनुग्रह आप पर हुआ है, तभी तो उसने आपको बुलाया है अपने राज्य का वारिस होने के लिए, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु आपके साथ में है। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से परमेश्वर मरियम के साथ में था उस योजना को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार से
मरियम पर अनुग्रह हुआ, उसी प्रकार से आप पर भी परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर आपके साथ में भी है, हर एक कार्य को करने के लिए, हर एक कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे अब्बा मेरे पिता, हम तेरी महिमा तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु हम घटे और आप हम में बढ़ते चले जाइए प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे उद्धार करने वाले प्रभु हैं पिता, हमारे हम सफर हैं प्रभु, हमारे संग संग चलने वाले प्रभु हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए धन्यवाद कि ये अनुग्रह जो आपने हम सब पर किया है खुदा, कि आपके अनुग्रह से हम आज इस नए दिन को देख पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। रात भर में संभाला प्रभु, मीठी और सुकून भरी नींद देखकर खुदावन देशु तेरा धन्यवाद कि आज का नया दिन हम सब के जीवनों में, इस भाई इस बहन के, इनके परिवार में, हर एक जन के जीवन में जोड़ा है खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु आज का दिन परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए आशीषों भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए। आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि ये स्वस्थ और भले चंगे रहकर प्रभु अपने जीवन से जो कुछ भी आज करे खुदा, उससे तेरी महिमा और सिर्फ तेरी महिमा होने पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड आज की सुबह में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जहां एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। धन्यवाद पिता आज की सुबह में इस जो संगति हम सब मिलकर कर रहे खुदावन, इस समय में परमेश्वर आप हमारे साथ में है पिता, इस भाई के इस बहन के इनके परिवार में हर एक जन के संग में जो प्रार्थना सुन रहे पिता उनके संग में आप हैं खुदावन। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद मेरे प्रभु जो आज हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदय ने ग्रहण किया प्रभु। हम सिर्फ इसे सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले और इस पर ध्यान करने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तेरा स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा और प्रभु तेरे स्वर्गदूत ने उससे कहा कि आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह किया है, हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में आप हैं पिता, हमने एक उद्धारकर्ता परमेश्वर पर विश्वास किया है, हमने अपने पापों की क्षमा पाई है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं, हमें कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं, हम सब पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद जिस प्रकार आप इजराइलियों के संग में रहे प्रभु, मूसा के संग में, मरियम के संग में रहे पिता परमेश्वर, और खुदावन अब्राहम के संग में, दाऊद के संग में रहे, उसी प्रकार यीशु मसीह आप हम सब के संग में हैं, हमारे साथ में हैं प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार आपका नाम इमैनुअल है प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपका उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं, हमारे दुख विपत्ति संकट मुश्किलों में विपत्तियों में आप हमारे साथ में हैं पिता। लॉर्ड आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु, जब ये आपकी संगति में बैठे हैं आज की सुबह में आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, लॉर्ड होने दीजिए कि आपका अनुग्रह इन पर हो पिता, आपकी दया इन पर हो पिता, आप इनके संग में होइए पिता। जब प्रभु सब ने इनका साथ छोड़ दिया प्रभु, जब कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं प्रभु, परंतु हम जानते हैं कि तू कभी नहीं छोड़ता पिता। तेरा वचन कहता है तेरी जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरे खुदावन, आप इस भाई को इस बहन को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने इन्हें बुलाया है अपना बेटा और बेटी बनने के लिए, स्वर्ग का वारिस बनने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह सदा के लिए इन भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर बना रहे। जीवन के हर एक सफर में परमेश्वर आप इनके संग में रहे प्रभु, जब ये घर में हो, घर से बाहर हो, अपने कुछ भी काम ये कर रहे हो प्रभु, उस समय आप इनके संग में हो प्रभु जी। आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, ताकि प्रभु आपके अनुसार ये अपने जीवन में चल सके और उस कार्य को कर सके जो आपने इनके लिए नियुक्त किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो काम इनके लिए असंभव जान पड़ता है, जो इनके लिए मुश्किल है प्रभु, उन कामों को आसान करने के लिए आप इनके संग में होइए प्रभु। प्रभु जी जब ये प्रभु अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, उस गोल को अचीव करने में आप इनकी सहायता करें। कोई भी काम जो इनसे नहीं बन पा रहा है प्रभु, उस काम को बनने में आप इनके संग में रहिए पिता प्रभु। इनके संकटों में आप इनके संग में रहे, इनके मुसीबत विपरीत हालातों में आप इनके संग में रहे प्रभु। जब ये बीमारियों
खुशियों में है पिता, तो आप इनके संग में हुए प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप बच्चों के संग में हुए प्रभु, उन्हें गलत रास्तों में जाने से बचाएं। नौजवानों को प्रभु उनके जवानी के दिनों में संभलने में प्रभु आप उनके संग में रहें। बुजुर्ग के जो बुजुर्ग हैं प्रभु, उनकी बुजुर्गी की अवस्था में आप उनके संग में रहें पिता, धन्यवाद करते प्रभु। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन भाई बहनों का विश्वास तुझ में और बढ़ने पाए, तुझ में संगति में ये और बढ़ने पाए, तुझसे प्रार्थना में और बढ़ने पाए पिता, ताकि प्रभु ये तुझसे लिपटे रहें और तेरी उपस्थिति, तेरा साथ ही अपने जीवन में सदा के लिए देखने पाए। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह में, अच्छे दिन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये दिन इन भाई बहनों के लिए अच्छा होने पाए, ये दिन में इनके हर एक रुके हुए काम बनने पाए, आज के दिन में इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दें, इनके प्रभु घर परिवार में हर एक जन के जीवन में आप आशीष दें, जो बीमार अस्वस्थ हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियां, उनका दर्द, उनकी तकलीफें चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप उन्हें छू लें और चंगा करें, जो बीमार है पिता यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता आज के दिन में इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, इस जानलेवा बीमारी से प्रभु जी, महामारी से आप बचाएं पिता, और प्रभु होने वाले हर एक दुर्घटना से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु, कोई भी दुष्ट के हथियार इन पर सफल ना हो पिता, आप इनके रक्षा हिफाजत करें, इनके संग संग आप चले। जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं, उस समय आप इनके संग में होइए और घर इन्हें आप सुरक्षित लेकर आए पिता परमेश्वर, सबके संग में आप हुए प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके संग में आप हुए पिता, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।